एकदम मानेंगे एकदम। दिखाओ किस तरीके से खाया जाता है ऐसे। ठीक है देख रहे हैं। बीच में फिंगर रहेगा। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे उम्मीद करते हैं। और यहाँ पर देखिए बहुत तेज़ी से बारिश हो रहा है और आज हम लोग को थोड़ा सा बाहर निकलना है। एक्चुअली अम्मी के पास जाना है और अम्मी का तबीयत थोड़ा सा ख़राब है और मेरी आपा बेंगलोर गई हुई है, तो इसीलिए सोचे आज घर पर जितना हो पाएगा कुकिंग करते हुए उसके बाद लेके जाएंगे। देखिए सीधा किचन में आते ही ये जो फिश है, आप फिश को अच्छी तरीके से वॉश करने के बाद चिकन भी वॉश करना पड़ेगा और आज चिकन एंड फिश दोनों ही चीज़ बनाना है। देखिए हो गया है फिश अच्छी तरह से वॉश। अब इसमें स्पाइसेस डाल दिए जैसे हल्दी एंड सॉल्ट। रेड चिली पाउडर नहीं डालते वो इसलिए क्योंकि बच्चे भी फिश खाते हैं, तो इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब इसको थोड़ा थोड़ा करके फ्राई होने देंगे और बच्चे अभी उठे हुए, बच्चे अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किए तो बच्चों को ब्रेकफास्ट भी करवा देंगे। ये ऑयल गर्म हो गया है, अब थोड़ा थोड़ा करके फिश फ्राई कर लेंगे। बच्चों का नाश्ता लेके ऊपर आ गए थे क्योंकि बच्चे यहाँ पर खेल रहे थे, तो सोचे यहाँ पर बच्चे खेलते रहेंगे और ब्रेकफास्ट भी कंप्लीट हो जाएगा उन लोगों का और परेशान भी नहीं करेंगे। ये कुकिंग का काम कंप्लीट हो गया है और सारा पैकिंग भी कर लिए। क्या क्या बनाया रुकिए दिखाते हैं। ये जो है कद्दू मतलब लौकी का सब्जी है और यहाँ पर है फिश फ्राई और यहाँ पर देखिए चिकन और दूध ले लिए बाबू के लिए। मिल्क इसलिए ले लिए क्योंकि यहाँ पर मिल्क बचा हुआ था, तो फ्रिज में रखने से अच्छा अगर कैरी कर लेंगे तो बाबू का काम आ जाएगा। बस इतना सा चीज़ ही बना है। अब सारा काम कंप्लीट करने के बाद अब हम लोग निकल गए और वहाँ जाके सब मिल के एक साथ लंच करेंगे। जिदान को फीवर है बट उसका आज एग्जाम था तो वो एग्जाम देने गया था फीवर में ही। और यहाँ पर देखिए बाइक में सो गए दोनों बच्चे क्योंकि जिदान तो टायर्ड है बट इजान भी सो गया तो उसको यहाँ आके सुला दिया। देखिए आ गए। वालेकुम अस्सलाम। जिदान घर में लंच कर लिया था तो वो सो गया, फिर हम लोग लंच करने बैठे क्योंकि काफी टाइम हो रहा था और हम लोग वेट नहीं किए इसीलिए। और आज लंच में सिंपल सा खाना था जैसे चिकन फिश फ्राई, उसके बाद कद्दू का सब्जी और अम्मी बनाई थी साग जो बहुत ज़्यादा पसंद है और राइस बना ली थी यहाँ पर, तो यहाँ पर आते ही सब मिलके खाने बैठ गए थे हम लोग। लंच करने के बाद बच्चे सोने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थे। जिदान को देखिए फीवर था मतलब उसका नींद पूरा हो गया और सीधा यहाँ पर आ गया। मतलब ये भाभी का घर है और यहाँ पर बच्चे फ्री होके बहुत आराम से खेलते हैं क्योंकि यहाँ पर सारे बच्चे एक साथ हो जाते और काफी इंजॉय करते हैं। और बाकी सब अरे आप लोग क्या कर रहे हो?
हटो, वीडियो कर रहे हैं। देखी 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 हर रंग में चुपचाप से करे का है भी लाइव बोलो मारेंगे एकदम। हां एकदम मारेंगे एकदम। ए गोरी बंदी खाने जगह पे सारा इवनिंग स्नैक्स में हम लोग नूडल्स एंजॉय कर रहे थे, बट यहाँ पर आज सब कोई थे जैसे भाई और मेरी आपा, बट छोटी आपा नहीं थी तो इसीलिए थोड़ा सा खालीपन लग रहा था। और यहाँ पर देखिए नूडल्स खाने के लिए चॉपस्टिक यूज करने की कोशिश कर रहे थे। दिखाओ किस तरीके से खाया जाता है, ऐसे बीच में फिंगर रहेगा। चॉपस्टिक ट्रेनिंग अच्छा, चॉपस्टिक ट्रेनिंग हो रहा है। हाँ हो रहा है, तो और की क्रॉस हो जा रहा। चाइना जापान जाने का प्लान है। ओ बाबा देखिए ना पापा, देखिए ना ये मम्मी लोग आज खा ही रहे हो, पापा अकेले अकेले पानी का बोतल दो। यहाँ पर देखिए रामिया किस तरह से खा रही थी, जरा सा वेजिटेबल्स उसके मुंह में आ रहा था तो वो निकाल के साइड कर दे रही थी, और सिर्फ वो नूडल्स ही खाएगी, वेजिटेबल्स बिल्कुल भी नहीं खाएगी। यहाँ पर इजा नाश्ते में बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा है, मतलब उसको खाना नहीं है, उसको आप खेलने दो, बस दिन भर वो खेलता रहेगा। यहाँ पर मेरी मम्मी देखिए बैठी हुई है और सबको देख रही है, सबसे बात करते हुए काफी इंजॉय कर रही है। माशाल्लाह मेरी मम्मी के लिए दुआ कीजिएगा, मेरी मम्मी ऐसे ही अच्छी रहे। और इजान के पापा देखिए स्टिक लेके बैठे हुए हैं इजान को खिलाने के लिए, और उसके बाद नाश्ता करने के बाद इजान देखिए फिर से सो गया है, मतलब उसको काफी नींद आ रहा था क्योंकि बहुत ज्यादा मस्ती कर रहा था, इसलिए उसके बाद इजान के पापा देखिए लेटे हुए हैं। और देखिए आज रात में क्या हो रहा है, ये हॉरर मूवी देखने का प्लान है सबको, बट सबको काफी डर लग रहा है और जिदान को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा ना बाबा, जिदान बहुत ब्रेव है। और जिदान के पापा देखिए वो मूवी नानू नानू डर से काम रही, और दोनों देखिए पीछे छुप रही है क्योंकि एक से एक कमेंट किए जा रही है और नानू को परेशान कर रही है अपनी। तो आज के वीडियो इसी में एंड करते, और आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय। जिदान अल्लाह हाफिज बोलो तो मम्मी, बोलो अस्सलाम वालेकुम, बोलो जिदान पापा बाय हाफिज, चलिए अल्लाह।